गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, आई एम टेकिंग योर साइंस सब्जेक्ट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स वर्ल्ड। ओके, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ओके, हम लोग वन बाय वन सबके बारे में जानेंगे। ट्री क्या होते हैं, सेल्फ्स क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रीज। व्हाट इज ट्रीज, हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, प्लांट्स विच आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज। प्लांट्स, ऐसा प्लांट्स जो बहुत बड़ा होता है और स्ट्रांग होते हैं, मतलब बहुत ही लंबा, आई मीन बहुत बड़े होते, बड़ा होता है और बहुत ही मजबूत होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। अब ट्रीज देखने में कैसा लगता है, दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम। उसका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है और बहुत ही मोटा होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। अब ट्रीज का एग्जांपल देखते हैं, कौन कौन से ट्रीज होते हैं, जैसे नीम, कोकोनट एंड बनियन ट्री। ये सभी क्या है, ये सभी ट्रीज के एग्जांपल हैं। ओके, यहाँ पे बनियन ट्री है, जो बनियन ट्री जो होते हैं वो नेशनल ट्री कहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल्फ्स। सेल्फ्स आर मच स्मॉलर देन ट्री। सेल्फ्स क्या होते हैं, मच स्मॉलर देन ट्री, मतलब ट्री से वो क्या होते हैं, सेल्फ्स बहुत छोटे होते हैं। ओके, दे आर बूसी, वो क्या होते हैं, बूसी होते हैं। सेल्फ्स कैन लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, सेल्फ्स जो होते हैं वो कुछ सालों के लिए ही जिंदा रहते हैं। ओके, बट ट्रीज जो होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। एग्जांपल, रोज, कॉटन और हिबिकस। रोज, कॉटन और हिबिकस किसके एग्जांपल है, सेल्फ्स के एग्जांपल। ये क्या होते हैं, ये कुछ सालों के लिए ही जीवित रह सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज हर्ब्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हर्ब्स। सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो बिग, कुछ प्लांट्स क्यों होते हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। ओके, दे आर स्मॉल इन साइज, ये क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, मतलब छोटे साइज में होते हैं। इसका स्टेम जो होता है, हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो इजली वे में टूट जाते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मिंट, वीट, ये भी क्या है, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स आर वेरी वीक, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। ओके, इतने कमज़ोर होते हैं कि वो खुद से खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं हो सकते। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, वो खुद से खड़े नहीं हो सकते। दीज प्लांट्स क्लाइंब अप विद द सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, वॉल्स एंड अदर ट्रीज। इस प्लांट्स को, मतलब इस प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो होते हैं उसे क्लाइंब करने के लिए कुछ सपोर्ट्स चाहिए, जैसे कुछ स्टिक अगर लगा देते हैं उसके पास तो उसी के सहारे वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब या तो वॉल्स के पास अगर लगा हुआ है तो वो बॉल के सहारे वो खड़े हो जाएंगे, या फिर कोई अदर ट्री, उसके अगल बगल में कोई ट्री है तो उसके सहारे वो खड़े हो जाते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट को, देखिए मनी प्लांट, पी, ये सभी को क्या, इसे ये दोनों को, मतलब और भी एग्जांपल्स हैं, ये सभी को क्या चाहिए,
कोई सहारा चाहिए जिसका जिससे वो बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, क्रीपर्स पे। नेक्स्ट क्या है, क्रीपर्स। क्रीपर्स होते क्या है, सम प्लांट स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीन पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे पम्पकिन और वाटरमेलन। इसे भी क्या है, नीचे ज़मीन पर ही हो जाते हैं। पम्पकिन और वाटरमेलन, कद्दू या तरबूज जो होते हैं वो सभी कहाँ होते हैं, ज़मीन पर ही फैल जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थॉर्नी प्लांट्स। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, मींस काटा होते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट दिस प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स। थॉर्न्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इस प्लांट्स को किससे, एनिमल्स से। हम लोगों ने रोज़ का प्लांट देखा होगा, रोज़ के प्लांट में क्या होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। ओके, कैक्टस में भी क्या होते हैं, बहुत सारे कांटा होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं। ओके, नाउ मैं अब कुछ होमवर्क देती हूँ, आप लोग बनाइएगा। ओके, दिस इज योर होमवर्क। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर एक का दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं। ट्री के दो एग्जाम्पल्स देंगे, सर्फ्स के दो एग्जाम्पल्स देना है, हर्ब्स का, क्लाइंबर का एंड क्रीपर का। ओके, थैंक यू।